कैसे हो विद्यार्थी मित्रों, मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने कक्षा 4 के हिंदी विषय में हमने चैप्टर नंबर 5 धम्मक धम्मक आता हाथी पाठ का अभ्यास किया था। अब आज हम छठा चैप्टर टपका का डर, इसका हम अभ्यास करेंगे। टपका यानी क्या? तो टपका यानी कि बूंद। बारिश होती है जब, तब जो बूंदे गिरती है उसे क्या कहते हैं? टपका कहते हैं। वो जब गिरते हैं, बूंदे जब गिरती है तो उसका आवाज कैसे आती है? टप 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 करके उसकी आवाज आती है। तो इसकी वजह से इसको क्या कहा गया है? टपका कहा गया है। टपका का डर, उसका जो आवाज आती है उससे जो डर होता है, उसकी यहाँ पर बात की गई है। उसकी वजह से किस तरह जो शेर है वो भाग जाता है, तो उसकी यहाँ पर बात कही गई है, तो वो आज हम देखेंगे। यहाँ पर हमें कहानी की थोड़ी जानकारी दी गई है, वो हम देखेंगे। इस कहानी में गरीबी और कष्ट से जूझती बुढ़िया की कथा है। यहाँ पर किसकी कथा है? तो गरीबी और कष्ट से जूझती यानी कि मुसीबतों का सामना करती हुई बुढ़िया की, यहाँ पर बूढ़ी औरत की यहाँ पर एक कहानी है। झोपड़ी का टपकता छप्पर उसे और भी संकट में डाल देता है। एक तो वह गरीब है, ऊपर से उसके जो घर का जो छप्पर है, छप्पर यानी कि जो छत है, वो उसमें से क्या होता है? पानी टपकता है। उसमें छेद होने के कारण उसमें से पानी टपकता होता है, तो उसको उसकी वजह से उस गरीब बुढ़िया को वह और भी संकट में डाल देता है। संकट यानी कि मुसीबत में डाल देता है। वह मन ही मन झुझला रही है, झुझला यानी कि क्रोधित हो रही, उसे गुस्सा आ रहा है। एक तो वह गरीब है, ऊपर से वह छत भी टपक रही है, इसके लिए उसके क्या आता है? गुस्सा आ जाता है। बरसात से परेशान एक बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। भी एक बार क्या होता है कि बहुत बारिश होती है और उसकी वजह से जंगल में रहने वाला बाघ बारिश से परेशान होकर उस बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। बुढ़िया की बातें सुनकर अनजान भय से वह घबरा उठता है और भाग जाता। बुढ़िया अपने आप से ही अकेले अकेले बात करती रहती है, और जब वह अकेले अकेले बात करती है तो उस बात को सुनकर बाघ को भय लगता है। अनजान भय, अनजान यानी कि जिसको वह जानता नहीं है, उस भय से वो डर जाता है, घबरा जाता है और वह वहां से भाग जाता। ठीक है, तो ये सारी बातें इस कहानी में दी गई है, तो उस कहानी के अब हम देखेंगे। बरसात का दिन था, चारों ओर पानी बरस रहा था। बारिश का मौसम था और चारों ओर पानी बरस रहा था, सभी तरफ पानी ही पानी था। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था और वह घर क्या हो रहा था? भीग रहा था। बारिश की वजह से उसका जो घर था वो भीग रहा था। जल्दी ही बुढ़िया का घर टपकने लगा। बारिश में बुढ़िया का घर भीग गया और उसकी वजह से जल्द ही उसके घर में पानी टपकने लगा। बुढ़िया परेशान हो उठी। बुढ़िया उस पानी के टपकने से बहुत ही परेशान हो जाती है। वो कहाँ जाए? बाहर भी तो पानी ही है, बाहर भी बारिश आ रही है और घर में भी पानी आ रहा है, तो वो क्या हो जाती है? परेशान हो जाती है। परंतु करती भी क्या, छप्पर को छाए कौन? पर अभी बुढ़िया कर भी क्या सकती थी, बराबर है? छप्पर को छाए कौन, छप्पर को ठीक कौन करे, बराबर? वो तो बूढ़ी हो चुकी है, इसके लिए वह तो ऊपर छपरा ठीक करने के लिए जा नहीं सकती। छप्पर यानी कि छत, बराबर? छत को वो ठीक करने जा नहीं सकती, बराबर? और छप्पर किसे बोलते हैं? छत को बोलते हैं, लेकिन छत किससे बनती है?
तो वो घास फूस व लकड़ी से बनती है, बराबर है। पक्की छत नहीं, कच्ची छत जिसमें घास फूस का इस्तेमाल होता है, उसकी वह छत होती है। तो वह अभी छत को ठीक करने भी जा सकती नहीं थी। कौन छाए यानी कि कौन ठीक करेगा। थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे। थोड़ी देर में ओले, ओले यानी कि बड़ी बड़ी बूंदे गिरना, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे गिरना। तो थोड़ी देर में ओले भी बरसने लगे, यानी कि बारिश तेज हो गई और उसकी बड़ी बड़ी बूंदे गिरने लगी। गुजराती में हम उसे करा बोलते हैं। बेर बराबर ओले, कितने और कितने बड़े बड़े ओले, तो बेर बराबर यानी कि बेर यानी कि बोर। गुजराती में हम उसे क्या बोलते हैं, बोर बोलते हैं, बराबर। जो फल आता है, बेर का फल आता है, बराबर, वो उसके बराबर से उसके बराबर के ओले गिरने लगे। उधर एक बाघ ओले की मार से परेशान हो उठा, और दूसरी तरफ बेर के जितने ओले गिरने लगे। तो उससे परेशान होकर जंगल में जो बाघ रहता था वो भी परेशान हो उठा। कूदते फांदते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। कूदते फांदते वह बुढ़िया के घर के पास आ पहुंचता, यानी कि जैसे तैसे करके वह बुढ़िया के घर के पास आ जाता है। बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। बुढ़िया अपनी झोपड़ी के अंदर, अपने घर के अंदर चावल पका रही थी, खाना पका रही थी। चूल्हे पर पानी टपक रहा था, टप टप। चूल्हे पर क्या हो रहा था, पानी टपक रहा था, और उसकी आवाज कैसे आ रही थी, टप 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 करती हुई आवाज आ रही थी। वह झुंझला उठी और बोली, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। वह इतनी परेशान हो रही थी और वह गुस्से से बोलती है, झुंझला उठी यानी कि गुस्से से बोलती है कि वह बोलती है कि मुझे जितना बाघ से डर नहीं लगता, उतना डर मुझे टपका से लगता है, यानी कि जो वो पानी बरसता है उससे मुझे इतना डर लगता है जितना मुझे बाघ से भी नहीं लगता। उससे बाघ से जितना डर लगता है उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा मुझे इससे टपका से डर लगता। बाघ ने सोचा, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती मगर टपका से डरती है। ये बाघ सोचने लगता है कि ये जो बुढ़िया है वो मुझसे इतना नहीं डरती जितना टपका से डरती है, तो ये टपका क्या चीज होगी, बराबर है। वो सोचने लगता है कि ये टपका क्या चीज होगी कि बुढ़िया मुझसे इतना नहीं डरती है और टपका से डरती है। जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। बाघ सोचने लगता है कि जरूर ये टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा जो बुढ़िया इतनी उससे डरती है। बस इतना सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। बाघ को डर लगने लगा कि ये तो मुझसे भी बड़ा कोई जानवर होगा जो बुढ़िया मुझसे इतना नहीं डरती और टपका से डरती है, और वह भी घबरा जाता है। और वह क्या करता है, सिर पर पैर रखकर, यानी कि सिर पर पैर रखकर भागना, यानी कि तेज गति से भाग जाना, जल्दी जल्दी भाग जाना। वहां से वह एकदम तेजी से भाग गया। तो इस प्रकार इस कहानी में बाघ को अनजान भय लगता है जिसको वह जानता ही नहीं है, बराबर है। और इस प्रकार वह यहाँ से बुढ़िया के घर से भाग जाता है। अभी यहाँ पर ये जो हमारी कहानी है वो खत्म होती है। तो यहाँ पर इसके आगे जो शब्दार्थ दिए गए हैं वो हम देखेंगे। परेशान, परेशान यानी कि हैरान हो उठना। छप्पर यानी कि छत जो घास फूस व लकड़ी से बनी होती है। ओले, ओले का गुजराती में अर्थ होता है करा। बैर, बैर का गुजराती में अर्थ होता है बोर। आगे है मुहावरे। झुझला उठना यानी कि क्रोधित होना।
सिर पर पैर रखकर भागना, उसका मतलब होता है तेज गति से भागना। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक करेंगे। हमने कहानी देखी और शब्दार्थ और मुहावरे देखे, बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।